मुझे ये लगता है कि 2011 वर्ल्ड कप आप दोनों जीते और भी उस टीम में प्लेयर्स थे वीरेंद्र सहवाग गौतम गंभीर जहीर खान जो 2015 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए मतलब आप दोनों का आखिरी जो वर्ल्ड कप का मुकाबला था वो वो वर्ल्ड कप फाइनल था उसके बाद आप लोगों को वर्ल्ड कप का मैच ही नहीं मिला जी हाँ बिल्कुल उस वर्ल्ड कप टीम में से देखिए जब कोई भी टीम वर्ल्ड कप टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उस टीम में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे उसमें युवराज भी थे मैं भी था वीरू की अगर बात करूँ तो वीरू में भी अगर फिटनेस अपनी वो रखते बरकरार तो वो भी खेल सकते थे गौतम गंभीर सटनली प्लेड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप बट आई डोंट नो व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट लीविंग ऑल ऑफ आर सोसाइट स्पेशली कि जैसे होता है ना कि आपका काम हो गया बस आप अब निकलो आप आपसे अभी और आपका काम, काम हो गया हाँ कि आपका अभी काम हो गया आप निकलो अभी नई टीम बनानी है हमें नई टीम तब बनानी है जब वो टीम जीती ना हो या हम कहीं सेमीफाइनल से पहले हार गए हो हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो उस टीम को आपको साथ लेके चलना है क्योंकि जैसे यूवी ने कहा है कि यू कॉन्ट हैव टू मैनी यूथ एंड यंग प्लेयर

ये भी नहीं मुझे पता है और अगर पता भी हो तो शायद मैं ये ऐसा मंच है यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय क्रिकेट में होती आई हैं और चलती ही आ रही हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप अपने चैम्पियंस जिन्होंने जिताया है भारत को और कुछ किया है भारत के लिए उनको उस कहते हैं कि रिस्पेक्ट से नवाजा जाए जो हमारे यहाँ पे एक दस्तूर नहीं है काम लिया और निकलो वाला काम जो है वो बंद होना चाहिए भारतीय क्रिकेट में स्पेशली जो कि होते हुए हैं युवराज सिंह डिजर्व अ बेटर फेयरवेल वरिंदर सहवाग की बात करूँ तो वो ही डिज़र्व अ बेटर फेयरवेल गौतम गंभीर वी लक्ष्मण सब खटास से बाहर गए हैं तो मतलब उनको मानते हैं हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ मैं भी बोलता हूँ कि मेरे चार साल जो हैं पिछले वो भी ऐसे ही गए हैं कि आई हैव प्लेड मच मोर टेस्ट क्रिकेट एंड 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 प्लेड ऑल सर्ट ऑफ फॉर्मेट कि अगर पिछले साल में आईपीएल में स्पिनर फिंगर स्पिनर जितने खेल रहे थे उनसे सबसे ज़्यादा विकटे ले सकता हूँ सक्सेसफुल हो सकता हूँ पर मेरी तरफ नज़र नहीं जाएगी नज़र उसकी तरफ जाएगी जो छोटा है काम देखो उम्र नहीं देखनी चाहिए अगर उम्र देखने जाओगे तो फिर तो uh, आप आ, मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन बढ़िया है या कौन नहीं तो उम्र तो और भी लोगों की हमारे बराबर की थी जो इस वर्ल्ड कप में भी खेले थे तो उनकी बारे में उम्र की बात नहीं होती है बात होती है कुछ ही चुनिंदा प्लेयरों की शायद जो उन मनपसंदा खिलाड़ियों में से नहीं है जो कुछ होते हैं